टीम इंडिया ने लिया एस्बेस्टन की हार का बदला। दूसरा T20I इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। जी हां, इंग्लैंड और भारत के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला 9 जुलाई को बर्मिंघम में एस्बेस्टन स्टेडियम में खेला गया था। मेजबान टीम के कप्तान जॉस बटलर ने मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। जहां एक अच्छी पारी शुरुआत के बाद टीम इंडिया 170 रन बनाए, लिहाजा इंग्लिश टीम को 171 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक रन रविंद्र जडेजा ने बनाए। हालांकि वो हाफ सेंचुरी तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन 46 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम तो ताश के पत्तों की तरफ बिखरती चली गई और महज 121 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 49-50 रन के बड़े अंतर से जीत लिया है। जी हां, और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस मुकाबले को जीतने के बाद रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, यानी कि लगातार अपने T20 में 14वीं जीत हासिल करने के बाद और कहीं न कहीं इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर हराने के बाद रोहित शर्मा ने जो कुछ बयान दिया है भारतीय टीम को लेकर, इंग्लिश टीम को हराने को लेकर, आइए जानते हैं क्या कहा है रोहित ने। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, रोहित शर्मा ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे इस जीत के बाद, अपने लगातार 14वीं इंटरनेशनल जीत के बाद, जो दुनिया के एकमात्र कप्तान है रोहित शर्मा ऐसा करने वाले। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं इस मुकाबले का क्या रहा हाल। जैसा कि हमने आपको बताया कि भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच चुने गए। जी हां, भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करी, 3 विकेट 3 ओवर में ही हासिल कर लिए महज 5 की इकोनॉमी रेट के साथ में। जी हां, कमाल का प्रदर्शन भुवनेश्वर कुमार ने किया। नई गेंद से विकेट लेना अब इनको महारत हासिल हो चुकी है। पावर प्ले के ये बेस्ट खिलाड़ी माने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले से शानदार योगदान दिया था। लेकिन अब रोहित शर्मा के बयान के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर कैसे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के सुर बदल चुके हैं। हारने के बाद क्या कहा जॉस बटलर ने, आइए आपको बताते हैं पहले जॉस बटलर का बयान, उसके बाद जानेंगे रोहित का बयान। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कहा है इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने। उन्होंने कहा, बहुत ही निराशाजनक, हम कहीं भी अच्छा नहीं खेल पाए जैसा कि हम चाहते थे और हम हारने के लायक भी थे। जब भी आप पावर प्ले में 3 विकेट गंवाते हैं तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉस बटलर ने आगे कहा, हमने अच्छी गेंदबाजी की, क्लिसन ने डेब्यू पर बेहतरीन गेंदबाजी करी, लेकिन हम परिणाम से निराश हैं। क्रिस जॉर्डन हमेशा कठिन ओवर डालता है और वह स्वाभाविक रूप से दबाव में रहता है, वह अधिकांश समय अच्छा करता है, बहुत खुश हूं मैं उसके लिए। जॉस बटलर ने कहा, हमारे पास इस पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि अगला मैच तो कल ही है, लेकिन भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया वाकई में वो सराहनीय है। लगातार 2 मुकाबले वो भी हमारे घरेलू सरजमी पर भारत ने हमें हरा दिए, ये वाकई में भारत के लिए काबिले तारीफ है। भारत की किसी भी टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, वरना उसका अंजाम हम सभी जानते हैं। जॉस बटलर के सुर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं और अब वो भारत की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो भी यही कह रहे हैं कि भारत से पंगा न ले वरना इसका अंजाम बुरा होगा। घरेलू सरजमी पर भारत से सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड से मीडिया भी बौखला गई है। तो खैर, भाई जानते हैं रोहित ने क्या कहा इंग्लैंड टीम को हराने के बाद, रोहित ने किस तरह से करी भारतीय टीम की तारीफ। पोस्ट सेरेमनी में रोहित शर्मा ने कहा, हम जानते हैं कि न केवल इंग्लैंड में बल्कि हर जगह एक टीम के रूप में कितने अच्छे हैं हम। जब आप गेम जीतते हैं तो ग्रुप में आत्मविश्वास होता है और ये महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी कैसा महसूस करते हैं। मैं वास्तव में देखना चाहता था कि एक जीत के बाद हम कैसा प्रदर्शन करते हैं और एक समूह के रूप में हमें चुनौती देते हैं। बल्लेबाजों ने जवाब में शानदार पारी खेली, हम चाहते थे कि कोई बल्लेबाजी करे और हमें स्कोर दिलाए। जी हाँ, जडेजा के बारे में उन्होंने कहा, जडेजा ने यहाँ शतक बनाया था और वह वहाँ से आगे बढ़ा, वह शांत था और अंत में खेल को अच्छी तरह से समाप्त कर दिया। हम पावर प्ले के महत्व को समझते हैं, चाहे रन बनाना हो या विकेट लेना हो, हम कल एक और मैच का इंतजार कर रहे हैं। हम बेंच पर बैठे लोगों को मौका देना चाहते हैं। मैं वापस जाऊंगा और इस बारे में कोच से बात करूंगा, हमें बक्सों पर टिक्स करते हैं और आगे बढ़ते रहना है। रोहित शर्मा ने कुछ इस तरह से जो है अपना बयान दिया है। रोहित ने कहा कि न केवल इंग्लैंड की सरजमी पर बाकी हम दुनिया की पूरी अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और अब रोहित ने कहा, तीसरे मुकाबले में मिलेंगे नए खिलाड़ियों को मौका। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में
आप अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।